सो दोस्तों आज हमारे पास है ये XUV500, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गियर बॉक्स के अंदर कितना ज़्यादा ऑयल आ चुका है। ये और कोई ऑयल नहीं, ये है ब्रेक ऑयल, जो कि क्लच को ब्लीडिंग करने के लिए भी ये काम आता है और क्लच को पंप करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली ये कहीं से लीक होने के कारण ये गियर बॉक्स के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से जो क्लच है सारा देखिए आप यहाँ पर चिपक चुका है। इसके साथ ही साथ क्लच का एक गुट्टा बन गया है, जिसके वजह से ये गाड़ी जो है स्टार्ट तो हुई है बट चल नहीं पा रही है। तो आज हम करेंगे इसको क्लच रिमूव और दिखाएंगे आपको कि क्लच किस तरीके से होता है इस कंडीशन में आने के बाद। तो चलिए फटाफट से मैं निकाल देता हूँ क्लच। देखिए यहाँ पर क्लच जो है वो कच्चा पापड़ हो चुका है, इसके ऊपर कुछ भी कार्बन नहीं, ये सिर्फ एक खाली प्लेट रह चुकी है। अब इसके साथ साथ मैं निकाल देता हूँ फ्लाई व्हील, जिसकी कंडीशन भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फ्लाई व्हील पर तो कुछ डैमेज नहीं होता है बट वो पूरा ऑयल लगने की वजह से स्लिप वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, तो हम इसे भी रिप्लेस कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।